किस मंत्री को कौन सा विभाग देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पिछले 10 वर्षों में 2 बार मंत्रिपरिषद में मुझे स्थान शपथ लेने का अवसर मिला। तो आपको स्मरण है कि 2008 में मुझे सहकारिता के साथ साथ पीएचई विभाग मिला था, दोबारा 2013 में हमें कृषि विभाग मिला, अभी तो सिर्फ आचार संहिता लगने में 40 दिन लगभग बाकी हैं और उसके बाद तो हम लोग आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे। तो विभाग कोई भी मिले, माननीय शिवराज सिंह चौहान के सहयोगी की भूमिका में हमको काम करना है। संविधान में इसके लिए कहीं बाध्यता है क्या? कांग्रेस के लोग और कमलनाथ जी संविधान से बड़े हो गए क्या? वो उनकी सलाह को वहाँ देव बोला जाए, संविधान का संशोधन होता है कि चुनाव को यदि 3 महीने बाकी हैं तो विस्तार नहीं होना चाहिए, वहाँ अमेंडमेंट कराएँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार है, हमारे जो व्यवस्था है उसमें 15% दो हमारी जो असेंबली है उसके आकार के हिसाब से 34 मंत्री बन सकते हैं, अभी तो 33 ही बने, कोई घमासान नहीं। किसी ने अपनी इच्छा जाहिर किया तो क्या लोकतंत्र में उसको अधिकार नहीं? हर कार्यकर्ता को अपनी टिकट की दावेदारी रखने का अधिकार है। मैं तो 2019 में कह दिया है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से यूथ को अवसर मिलना चाहिए। मौसम को 2014 में लोकसभा का टिकट निश्चित हो चुका था, अपराय कारणों से नेतृत्व ने परिवर्तन किया। अब की बार मैंने आग्रह किया है कि नई पीढ़ी को हम लोग 25 साल में मिलकर चुनाव लड़े भाई, जिस उम्र में मौसम को चुनाव लड़ने की बात आ रही है तब तक तो मैं 7 चुनाव लड़ चुका था, एक भी सीट पर कांग्रेस ने जीती, पूरी 6 सीट पर बीजेपी जीतेगी। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में और जबलपुर संभाग की 38 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2/3 सीटों से ऊपर जीत करके आई। मैं माननीय कमलनाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूँ बालाघाट से आज चुनाव लड़े। बालाघाट विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जो बीजेपी का गढ़ है और इसमें कांग्रेस को कभी सफलता नहीं मिल सकती।